अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज पिज़्ज़ा, जो सबको बहुत पसंद है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब बहुत पसंद से खाते हैं ये। तो चलिए आज हम भी इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हाफ कप पानी को हमने अच्छे से बॉईल किया। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से इसे बॉईल करना है। तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। इसको अच्छे से हम सारी चीनी जो है इसमें घुलने तक मिलाएं, इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए सारी चीनी जो है इसमें अच्छे से मिल गई है वाटर में। तो पानी भी थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, सिर्फ उंगली गुनगुना पानी रहना चाहिए। तब इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ईस्ट, ड्राई ईस्ट थी ये। तो हमने ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे थाली से ढक के। देखिए हमारी ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो गई है, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो मुझे 2 बड़े पिज़्ज़े बनाने थे, तो मैंने लिए हैं इसके लिए 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में हमने ऐड किया है 1.5 टेबल स्पून साल्ट, नमक। इसे अच्छे से मिक्स करें। तो इसमें सारा जो ईस्ट का मिक्सचर है इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करें। इसे धीरे धीरे गूनना है। पानी जो है मैंने गुनगुना पानी लिया था इसे गूनने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इस तरह से स्टिकी आटा हमने तैयार करना है। तो हम जो है इसे थोड़ा सूखे मैदे को इस तरह से छिड़क कर इसे अच्छे से गूंदेंगे आटे को। थोड़ा ऑयल लेते रहना और इसे अच्छे से हम आटे को इस तरह से गूंदेंगे ताकि आटा जो है अच्छे से फ्लफी तैयार हो जाए। देखिए इसे अच्छे से गूंदने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और इसे ऑयल से इस तरह से ग्रीस करके रख दें ताकि आटे जो है सूखे ना। और इसे आधे घंटे के बाद देखें हमारा जो डो है डबल हो चुका है। तो इसे अंदर से इसके एयर निकालते हैं पंच मार के। तो देखिए हमने इसे एयर निकाल दिया। अभी हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से गूंदेंगे आटे को। सूखा मैदा हमने इसमें डाला है और इसे अच्छे से गूंदेंगे अभी ऑयल के हाथ से। थोड़ा सा ऑयल हाथ पर डालें और इस तरह से इसे खींचते हुआ गूंदते रहना है। 1-2 मिनट इसको अच्छे से गूंद लें। फिर इसे हाफ हाफ में कर देंगे, क्योंकि मुझे 2 पिज़्ज़े बनाने थे तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया। और इस तरह से मैदा छिड़क कर इसे पहले बेलन से जो है मैंने बेल दिया है थोड़ा इसे। फिर हम एक स्टील के प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके बाद हमने जो बेले हुए आटे को इसमें डाल देंगे, फिर सेट करेंगे। हम किसी भी प्लेट में बना सकते हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो या स्टील हो या बेकिंग ट्रे हो। इसलिए मैंने 2 पिज़्ज़े एक स्टील के बर्तन में और एक एल्यूमिनियम के बर्तन में बनाए हैं 2 पिज़्ज़े आपको बताने के लिए। देखिए हमारा पिज़्ज़ा बेस जो है अभी रेडी हो गया है। थोड़ा हम इसे फोर की मदद से छोटे छोटे होल्स जो है इस पर लगाएंगे ताकि पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से इसमें अंदर तक चले जाए। तो हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे पहले। देखिए इस तरह से इस पर डालना है, इसे अच्छे से स्प्रेड करें। फिर
फिर मैंने डाले रेड चिली सॉस, ये आपकी मर्ज़ी है जितना आप चाहे डाल सकते हैं। मैंने तो इसको दो टेबलस्पून तक का अप्लाई किया है। और मैंने इसमें टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च ऐड की है। तो मेरे पास तो चीज़ ही स्लाइसेस में ही मिली थी, तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए। तो चलिए अब इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं। तो मैं इसे ओवन में नहीं बना रही हूँ, इस तरह से मैं बड़े बर्तन में जो है रिंग रख के पहले मैंने इसे हीट किया 10 मिनट्स के लिए, इसके बाद इसे बेक करने के लिए रख दिया। तो हम इसे एजेस को जो है ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि ये चिपके नहीं, जब पक जाए तो अपने आप ही निकल जाए। तो हमने इसे थाली से ढक देना है। तो देखिए आधे घंटे के बाद मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे रखा था, हमारा पिज़्ज़ा जो है अच्छे से पक गया है अभी। तो इसे रेड चिल्ली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर और आपका दिल चाहे तो मायनीज के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी रहती है रेसिपी। उम्मीद है कि हमारी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हमें दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।